वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, रिजोल्वमेंट कर्नल निकालना सीख रहे थे हम। लास्ट में हमने बेसिक किया था कि रिजोल्वमेंट कर्नल, हमने कुछ कर्नल्स का रिजोल्वमेंट कर्नल निकाला था बाय एट्रेटिव कर्नल मेथड से। ठीक है, आज देखो बच्चों, आज हम करेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिजोल्वमेंट कर्नल व्हेन कर्नल इज ए पॉलीनोमियल इन एक्साई और एक्स। ठीक है, यानी हमें हमारे पास जो कर्नल्स है, यानी कर्नल्स की वैल्यू, ठीक है, यानी के ऑफ एक्स एक्साई, के ऑफ एक्स एक्साई है, अगर वो पॉलीनोमियल की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, लाइक हमारे पास ऐसे आ जाए, हमारे पास एक्स, या फिर ऐसे आ जाए 2 + x - xi, या फिर 2 + 3 × x - xi, या फिर ऐसे आ जाए 1 + x - xi + x - xi² / 2, ठीक है, 2 factorial, यानी इस टाइप में अगर हमारे पास कर्नल आ जाए तो उन कर्नल का रिजोल्वमेंट कर्नल निकालने के हमारे पास क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उनको डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट केस लेके चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ अगर एक्स का फंक्शन है तो हमारे पास किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे, और अगर हमारे पास अगर एक फैक्टर एक्स माइनस एक्साई की फॉर्म में तो उसके लिए हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, और हायर के लिए अलग। तो बेसिकली हमारे पास अगर वो रिजोल्वमेंट कर्नल पूछेगा तो इन्हीं में से ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, ज़्यादा हायर लेवल का नहीं पूछेगा, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यूज होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ऐसे पूछ लेता है वो, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा गया है कि हमारे पास कर्नल की वैल्यू दे देगा के एक्स एक्साई की, और ये पूछेगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग रिजोल्वमेंट कर्नल क्या आएगा, और आगे हम हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होगी तो उसमें भी हम क्या करेंगे, रिजोल्वमेंट कर्नल है उसकी हेल्प से वोल्टेर इंटीग्रल इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके, तो इसके हम डिफरेंट डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस है कि अगर हमारे पास के एक्स एक्साई है वो सिर्फ फंक्शन ओनली एक्स का हो तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट क्या है, व्हेन व्हेन के एक्स एक्साई, अगर ये हमारे पास हो सिर्फ एक्स का फंक्शन, तो उसके लिए हमने बोल दिया ए नोड एक्स। ठीक है, ए नोड क्या, हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स। अगर हमारे पास ऐसा है तो हमारे पास हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कंसिडर करेंगे हम, d² y / d x² ठीक है, माइनस लैम्डा, ठीक है, बिकॉज लैम्डा हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, ठीक है, इंटू ए नोड एक्स dy/dx, ठीक है, dy/dx एक है ना हमारे पास, तो लैम्डा इंटू ए नोड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वे कंडीशन, ऑक्सिलरी कंडीशन हमारे पास क्या है, वाई ऑफ एक्साई है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसको मैं क्या लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ, और फिर लेट करेंगे हम, लेट वाई ऑफ एक्स इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 का हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, वाई एक्स। ठीक है, देन रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ के एक्स एक्साई, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, यानी आर ऑफ एक्स कोमा एक्साई लैम्डा, वो हमारे पास होगा 1/λ (dy/dx). ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिजोल्वमेंट कर्नल। ठीक है, तो ये हमारे पास है केस फर्स्ट है। ओके, आई रिपीट, केस फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सिर्फ ए नोड का फंक्शन हो, यानी मैंने इस तरह मान लिया, ये आपके लिए क्वेश्चन भी हो जाएगा, अगर हमारे पास के ऑफ एक्स एक्साई है वो इस तरह का आ गया, 2x आ गया, ठीक है, तो इस तरह का आ गया, तो उसका जो हम सॉल्यूशन कर्नल फाइंड आउट करेंगे तो वह इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारे पास आ गया, और मान लो लैम्डा की वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू उसने क्या दे दी, 1 दे दी। ठीक है, तो कंसिडर करेंगे हम, क्या कंसिडर करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx - लैम्डा की वैल्यू 1 × a नोड की वैल्यू 2x,
ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी डी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू टू आ गई। तो इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों हम, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, एक्स भी है साथ में, ठीक है, एक्स भी है साथ में, तो ऐसे नहीं करेंगे, ओके इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे, लाइक डी वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई इंटू डी एक्स, और वाई को क्या क्या ले आएंगे इसके अपोन में ले आएंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मान लेते हैं सी, ठीक है, इट इज सी। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने मान ली, और कंडीशन क्या है हमारे पास, y, ये हमारे पास आ गया y ऑफ x, दिस इज अवर y ऑफ x, और हम जो ऑक्सिलरी कंडीशन है वो हम क्या लेके चलते हैं, y ऑफ x i इज इक्वल टू 1। तो ये अगर इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सू c इंटू ई रेज टू पावर x i स्क्वायर। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आई है वो क्या है, e रेज टू पावर माइनस x i स्क्वायर। तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू c की वैल्यू e माइनस x i स्क्वायर, और यहाँ पे e x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस x i स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, रिजोल्वमेंट कर्नल फाइंड आउट करेंगे। तो रिजोल्वमेंट कर्नल होगा 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 इनटू, ये देखो बच्चों ये हमारे पास है, तो dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो dy by dx की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 2xy, ठीक है। अब यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे पुट करेंगे तो 2xy, ठीक है, और यहां आ जाएगा 2x, और y की वैल्यू क्या हमारे पास, ये रही e रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजोल्वमेंट कर्नल, ठीक है, बाय दिस केस, ठीक है। तो अगर हमारे पास ks कर्नल अगर इस टाइप में हो तो उसका सॉल्यूशन हम इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास केस फर्स्ट, ठीक है। केस सेकंड में हम क्या करते हैं, केस सेकंड में अगर हमारे पास जो कर्नल है वो इस तरह आ जाए, ए नोड एक्स प्लस, ठीक है, यहीं पे करते हैं, प्लस ए वन एक्स इंटू, यहाँ पे जो हम वेक्टर लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे एक्स माइनस एक्साई का, एक्स माइनस एक्साई, ठीक है। तो उसके लिए देखो, ये हमारे पास था फर्स्ट केस, समझ में आ गया, ओके। तो अब देखो, अब उसने क्या कर दिया सेकेंड केस में, सेकेंड केस में भी हम ऐसे ही करेंगे, ये बस डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सिर्फ एक फैक्टर और आ गया हमारे पास, यानी x माइनस एक्साई के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर आ गया, ओके, और लैम्डा जो पैरामीटर है वो हमारे पास लैम्डा ही है। तो अगर हमारे पास कर्नल इस तरह से दिया हुआ कि फंक्शन ऑफ x प्लस ए वन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्साई, ठीक है, तो हम जो कंसिडर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वो हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे, तो वो हमारे पास होगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे ए नोड एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वन एक्स इंटू वाई, और इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हमारे पास दो है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास दो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, वाई ऑफ एक्साई जीरो, और जो सेकंड होगी हमारे पास वो होगी वाई डैश एक्साई इज इक्वल टू वन, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ रिजोल्वमेंट कर्नल, इसका सोल्यूशन हम क्या मान लेते हैं, जैसे हमने अब जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने सोल्यूशन क्या मानना था उसका, वाई एक्स। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का हमारे पास सोल्यूशन क्या है, वाई एक्स, ठीक है। देन रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ के एक्स एक्साई इज, हमारे पास जो आर ऑफ एक्स कोमा एक्साई लैम्डा वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, एज इट इज होगा 1 अपॉन लैम्डा। अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इस टाइप से होगा, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास था सेकंड केस। आई रिपीट, अगर हमारे पास कर्नल इस टाइप से आ जाए कि ए नोड एक्स प्लस ए वन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्साई, ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसीडर करनी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कंसीडर करेंगे। ओके, तो उसके बाद जो रिजोल्वमेंट करने लाएगा हमारे पास वो ये आएगा। सिमिलरली हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह करना है हमें, जस्ट हमारे पास काम थोड़ा सा ज़्यादा है। हमारे पास अब की बार क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम थर्ड केस इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड केस क्या होगा। थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा कि ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स, और साथ में अगर हमारे पास प्लस ए टू एक्स, ए नॉट ए वन ए टू एक्स, और एक्स माइनस एक्साई का स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल, अगर इस टाइप से हमारे पास अगर कर्नल आता है तो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे थर्ड डिग्री की। और जो ये हमारे पास जो ऑक्सिलरी कंडीशन है ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल थ्री, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं हम क्या कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो हमारे पास होगी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस लैम्डा इंटू, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए नोड एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, और इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन वन मानते हैं, ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग जो ऑक्सिलरी कंडीशन आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, तीन आएगी। तो वो हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले जो लास्ट वाली है ना उसके कोरस्पोंडिंग जो एक्साई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो वन आनी चाहिए। अब ये हमारे पास थ्री डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास जो सबसे पहली होगी वाई ऑफ एक्साई वो जीरो होगा, और जो वाई डैश एक्साई है वो भी जीरो होगा, और जो वाई डबल डैश एक्साई है वो इसमें क्या होगा, वन होगा, ठीक है। और उसके बाद सही है, लेट वाई एक्स बी दैट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वन एंड टू, देन रिजोल्वमेंट कर्नल है वो हमारे पास होगा आर ऑफ एक्स एक्साई लैम्डा, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन लैम्डा, और जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड डिग्री डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, केस थ्री है। ओके, तो ये हमारे पास क्या था केस थ्री। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ रिमार्क्स है कि अगर हमारे पास इस स्टेप से इक्वेशन दी हुई है, लाइक हमने कर्नल क्या दे दिया, लाइक कर्नल मैंने ये दे दिया एक्स एक्साई इज इक्वल टू टू, या फिर यहाँ पे क्या लेते हैं कुछ और, या मान लो लिख लिया मैंने टेन प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस एक्साई ये दे रखा है, तो ये कौन सा केस से डिस्कस होगा, थर्ड केस से इसका क्या निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा। और अगर ऐसे दे रखा है मान लो के ऑफ एक्स एक्साई इज इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्साई प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस एक्साई स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल, और अगर ऐसा दे रखा है तो ये इस केस से डिस्कस होगा। और मान लो कि उसने इस टाइप से दे दिया कर्नल के ऑफ एक्स एक्साई इज इक्वल टू एक्साई माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, तो देखो बच्चों ये किससे होगा, यहाँ पे स्क्वेयर आ गया तो सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये केस नंबर थ्री से डिस्कस होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो x माइनस एक्साई है, सॉरी एक्साई माइनस एक्स है, उसको हम रिप्लेस करते हैं माइनस ऑफ x माइनस एक्साई से, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को उसी तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। लाइक मैंने k ऑफ x एक्साई है वो मान लें मैंने ये दे दिया एक्साई टू सिक्स प्लस एक्साई माइनस एक्स, ठीक है, तो उसको सिक्स माइनस x माइनस एक्साई लिख के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमार्क था। तो ये हमारे पास थे कि अगर हमारे पास एक कर्नल है वो अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा है तो हमारे पास बेसिकली तीन केस है, और भी केस हो सकते हैं लेकिन हम मोस्टली तीन केस डिस्कस करते हैं, और थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक आधा क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, बट आपको एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उससे आपको डिस्कस पता चल जाएगा कि कैसे हम पॉलिनोमियल अगर हमारे पास कर्नल पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो तो उसका रिजोल्वमेंट कर्नल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व टू फाइंड आउट टू इवैल्यूएट द रिजोल्वमेंट कर्नल इफ द कर्नल इज ए पॉलिनोमियल इन एक्साई और एक्स, ठीक है, या फिर इनके दोनों के उसमें हो, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, उस वो मिसलेनियस पार्ट में आता है। ओके, तो ये हमारे पास तीनों केस डिस्कस कर लिए। नाउ कम टू द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, जहाँ जिनके मैंने क्या निकालने हैं, रिजोल्वमेंट कर्नल निकालने हैं, और जो कर्नल लेके चलेंगे वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो वो देखो, सबसे पहले तो हम वही लेके चलते हैं, के ऑफ एक्स एक्साई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एक्साई माइनस एक्स, सिंपल से सिंपल लेके चलेंगे, और जो लैम्डा पैरामीटर है वो भी हम क्या लेके चलेंगे, लैम्डा लेके चलेंगे, और सेकेंड भी एक क्वेश्चन क्या करते हैं,
डिस्कस करते हैं। ओके, तो वो देखो, देखो बच्चों, फाइंड आउट द रिजोल्वेंट कर्नल फॉर द फॉलोइंग कर्नल्स गिवन वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर हमें साइड में दी हुई है कि फर्स्ट में हमारे पास जो लैम्डा है वो जनरल लैम्डा लेके चलना है, और जो सेकंड हमारे पास उसमें लैम्डा की वैल्यू क्या लेनी है, 1। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हम इनका क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें क्या हमारे पास जो पॉलीनोमियल है वो हमें किस में दी हुई है, x माइनस एक्स वाई में। ठीक है, पॉलीनोमियल है दोनों, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस वाला हमने क्वेश्चन कर लिया कि कैसे डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे पास ये है बेसिकली सेकंड केस से डिस्कस होंगे। तो कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, कर्नल हमें दिया हुआ है के ऑफ एक्स एक्साई, उसकी वैल्यू दी है हमें एक्स माइनस एक्साई, और जो लेमडा की वैल्यू है वो लेमडा है। ओके, तो अब इसके कोरस्पोंडिंग हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करते हैं, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे हम, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस लैम्डा, लैम्डा इन टू। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास क्या होगा, ए नोड एक्स, तो ए नोड एक्स हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जीरो, ठीक है, इन टू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, प्लस a1x की वैल्यू क्या हमारे पास, 1 है, बिकॉज इसको मैं ऐसे लिख के और ऐसे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। तो हमारे पास वो क्या है, 1 इंटू वाई और इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम सिंपली फॉर्म में लिख के, तो ये हमारे पास हो जाएगी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0, जिसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, विद ऑक्सिलरी कंडीशन क्या लेते हैं हम, दो कंडीशन लेंगे। पहले तो हम लिखेंगे y ऑफ xi इज इक्वल टू 0, और सेकंड हम क्या लेते हैं, y डैश xi इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इसको मैं सिंबोलिकली फॉर्म में लिखूं, तो ये हमारे पास हो जाएगी डी स्क्वेयर माइनस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, डी स्क्वेयर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, पुट डी इज इक्वल टू एम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने देख रखा है इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो एम स्क्वेयर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एम इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट लैम्डा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन लिखते हैं हम, तो वाई एक्स सोल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा, सी वन ई रेस टू पावर रूट लैम्डा एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पावर माइनस रूट लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 2, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन, ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। जो C1 और C2 है ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हमें इनसे निकालनी है। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, इनसे हम इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है वाई ऑफ एक्साई इज इक्वल टू 0, तो वाई ऑफ एक्साई इज इक्वल टू 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्साई पुट कर, जहाँ जहाँ y है वहां 0 पुट कर दो, जहां जहां x है वहां xi पुट कर दो। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 इंटू e रेस टू पावर रूट लैम्डा इंटू xi, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, c2 इंटू e रेस टू पावर माइनस रूट लैम्डा इंटू xi। ओके, और यहां से अगर मैं C1 की वैल्यू निकालूं, तो यहां से जो C1 की वैल्यू होगी, C1 e रेस टू पावर रूट लैम्डा एक्साई है, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस C2 e रेस टू पावर माइनस रूट लैम्डा इंटू एक्साई। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या मान लो, फोर्थ, ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। ओके, अब इसके कोरस्पोंडिंग देखते हैं, वाई डैश एक्साई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, y डैश, तो y डैश x क्या आएगा यहां से, तो y डैश x आएगा c1 e रेस टू पावर रूट लैम्डा x, और इसका हमारे पास क्या होगा, रूट लैम्डा, उसको आगे ले लेते हैं, और यहां से हमारे पास क्या होगा, माइनस रूट लैम्डा इंटू c2 माइनस रूट लैम्डा इंटू x। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, y डैश x। अब लिमिट ये कंडीशन पुट करते हैं, तो y डैश, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, पुट करेंगे x की जगह xi, तो रूट लैम्डा कॉमन आ गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास रह गया c1 e रेस टू पावर रूट लैम्डा इंटू एक्स माइनस c2 e रेस टू xi। ठीक है, हम क्या पुट कर रहे हैं,
सेकंड कंडीशन, तो ई रेस टू पावर रूट लैम्डा इनटू एक्साई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, ये किसके इक्वल है, सी वन एक्साई के, तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट लैम्डा इनटू सी वन, ठीक है, सी वन ई रेस टू पावर रूट लैम्डा एक्साई प्लस सी वन ई रेस टू पावर रूट लैम्डा इनटू एक्साई इज इक्वल टू वन, ओके। और ये हमारे पास क्या हो गया, टू टू ऑफ रूट लैम्डा इंटू ई रेस टू पावर रूट लैम्डा एक्साई इंटू सी वन इज इक्वल टू वन, और इस सारे को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से जो सी वन की वैल्यू आएगी वो आएगी वन अपॉन टू रूट लैम्डा इंटू ई रेस टू पावर माइनस रूट लैम्डा इंटू एक्साई, तो ये हमारे पास आ गई सी वन की वैल्यू। और फ्रॉम फोर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फोर सी टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी टू की वैल्यू, ठीक है, इसमें पुट करते हैं सी वन की वैल्यू, तो सी वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन बाय टू रूट लैम्डा इंटू ई रेस टू पावर माइनस रूट लैम्डा इंटू एक्साई इंटू ई रेस टू पावर रूट लैम्डा इंटू एक्साई इज इक्वल टू माइनस सी टू इंटू ई रेस टू पावर माइनस रूट लैम्डा इंटू एक्साई, इज दैट क्लियर, ओके। अब देखो बच्चों हमें सी टू की वैल्यू चाहिए, तो ये फैक्टर थ्रू आउट कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो सी टू की वैल्यू है, सी टू की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन टू रूट लैम्डा इंटू ई रेस टू पावर रूट लैम्डा एक्साई, तो ये हमारे पास आ गई सी टू की वैल्यू, और ये हमारे पास आ गई सी वन की वैल्यू, सी वन की और सी टू की वैल्यू इसमें पुट करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री, थ्री से हमारे पास क्या आएगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही वन अपॉन टू रूट लैम्डा इंटू ई रेस टू पावर माइनस रूट लैम्डा इंटू एक्साई इंटू ये रहा ई रेस टू पावर रूट लैम्डा एक्स, ई रेस टू पावर रूट लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है, सी टू की वैल्यू होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू रूट लैम्डा इंटू ई रेस टू पावर रूट लैम्डा इंटू एक्साई इंटू ई रेस टू पावर, यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस माइनस रूट लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम, ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया, वन अपॉन टू रूट लैम्डा, ये तो हमारे पास कॉमन आ गया दोनों में से, और यहाँ पे हम जम करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर रूट लैम्डा कॉमन, और यहाँ से एक्स माइनस एक्साई लिख सकते हैं, बिकॉज हमें जो आंसर चाहिए वो भी एक्स माइनस एक्साई की फॉर्म में ही लिखते हैं हम बेसिकली, माइनस, ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो इसको हम माइनस रूट लैम्डा इंटू एक्स माइनस एक्साई ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज एक्साई माइनस एक्स है, एक्साई माइनस एक्स में तो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और इस टू को भी इसके अपोन में लिख दो, ओके तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू हो गई, तो ये हमारे पास आ गया वन अपॉन रूट लैम्डा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक रूट लैम्डा इंटू एक्स माइनस एक्साई, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाई एक्स, ओके, तो ये हमारे पास जस्ट अभी तक क्या आया है, सॉल्यूशन आया है, ठीक है, रिजोल्वमेंट कर्नल अभी तक नहीं निकालना है, और निकाला है हमने बेसिकली जो सॉल्यूशन आता है वही हमारे पास क्या होता है, ऑलमोस्ट उसका रिजोल्वमेंट। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये हमने क्या किया है, सबसे पहले हमारे पास ये कर्नल था, उसके बाद हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करी, हमने यहाँ तक जस्ट क्या है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन टू कंडीशंस, वाई ऑफ एक्साई इज इक्वल टू जीरो, वाई डैश एक्साई इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास इसका जनरल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग ये सोल्यूशन आया है, जब हमने ये वैल्यू फाइंड पुट की यहाँ पे तो हमारे पास इक्वेशन फोर आई है, और ये पुट की जहाँ पे हमने इसका क्या करा, इसका डेरिवेटिव, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आई थी उसमें फोर्थ का यूज करके हमने C1 और C2 की वैल्यू पुट कर फाइंड आउट कर ली, और C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन, जिसको हमने क्या बोला, वाई एक्स। अब हमें क्या निकालना है, इसका रिजोल्वमेंट कर्नल निकालना है, तो रिजोल्वमेंट कर्नल के लिए हम क्या करेंगे, रिजोल्वमेंट कर्नल क्या था हमारे पास, बाई सेकेंड केस आर ऑफ एक्स कोमा एक्साई इंटू लैम्डा, ये था हमारे पास वन अपॉन लैम्डा इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी, ठीक है, वन अपॉन लैम्डा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए, अब यहाँ से देखो ये हमारे पास की इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू वाई, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, लैम्डा इंटू वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन लैम्डा इंटू वाई, लैम्डा से लैम्डा थ्रू आउट कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाई वाई ऑफ एक्स, और यहाँ से इसको इक्वेशन आप 5 मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5 से वाई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन रूट लैम्डा इंटू साइन ऑफ
हाइपरबोलिक रूट लैम्डा इंटू एक्स माइनस एक्साई, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आर ऑफ एक्स कोमा एक्साई लैम्डा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रिजोल्वेंट कर्नल, फाइनल रिजोल्वेंट कर्नल कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन के एक्स एक्साई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक हमने रिपीट कर लिया था, ये हमारे पास क्या था, इसका सोल्यूशन था, जिसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 5। अब इसका ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला था कि आर ऑफ एक्स एक्साई रिजोल्वेंट कर्नल ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कई बच्चे इसको कैसे करेंगे, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास वाई एक्स आ गया, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ऐसे नहीं करना है। इसका यूज हमें इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज करना है। हमारे पास क्या दी हुई थी, इज इक्वल टू जीरो दी हुई थी, तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वाई, और हमने जो पीछे काम किया है उसमें हमारे पास वाई ऑफ एक्स ऑलरेडी आ चुका है, देन वी हैव टू पुट ओनली द वैल्यू ऑफ वाई एक्स इन दिस इक्वेशन एंड वी गेट द रिजोल्वेंट कर्नल फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजोल्वेंट कर्नल, जो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन रूट लैम्डा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस एक्साई, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के हमारे पास पार्टिकुलर केस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा हमारे पास जनरल वैल्यू दी हुई थी, मान लो किसी क्वेश्चन में हमारे पास ये हो जाता लैम्डा इज इक्वल टू 1 दे देता, तो उसके लिए हमारे पास हमने जनरल सॉल्यूशन का ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैंने इसका रिजोल्वमेंट करना निकालना है तो आर ऑफ एक्स एक्साई कोमा 1, बिकॉज लैम्डा की वैल्यू उसने क्या दे दी, 1 दे दी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 का रूट हमारे पास क्या होगा, 1 साइन हाइपरबोलिक रूट लैम्डा, यानी 1 का रूट 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस एक्साई 1 अपॉन 1 भी क्या होता है 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो कर्नल आएगा रिजोल्वेंट कर्नल तो वो ये आएगा, ओके। सिमिलरली अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 4 दे देता तो हम यहाँ पे 4 पुट करते तो यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे क्या होता 4, और 4 का रूट क्या होता है हमारे पास 2, तो इसका आंसर आता 1 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या जाता है एक फैक्टर और कैंसिल 2 इंटू एक्स माइनस एक्साई, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आता 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आर ऑफ एक्स एक्साई कोमा 4 वो होता 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2 इंटू एक्स माइनस एक्साई वाला फैक्टर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आप 16 भी ले सकते हो, ठीक है, 15 या फिर कुछ ये वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता है तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं 1/17 रूट, ठीक है, रूट 17, और यहाँ पे क्या आ जाता रूट 17 एंड अप टू सो ऑन, सो दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद हम ऐसे जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें जो ए नोड एक्स है वो फैक्टर जीरो नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमारे पास क्या था, जीरो था, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन सिंपल था, सिंपल तो नहीं था, आपने देखा, मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप के सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैंने ये इस जो कर्नल्स है ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे सीधा बेनिफिशियल होता है कि आपको निकालना ना पड़े इन एग्ज़ाम, ठीक है, तो इसलिए हम इस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे हम आगे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालेंगे तो उसमें हमें ऑलरेडी पता होता है कि इस टाइप की इक्वेशन मैंने ऑलरेडी सोल्व कर चुका जब मैंने ये चैप्टर किया था, तो वहाँ से हम कुछ टेबल भी बनाएंगे और वहाँ से ये देखेंगे कि उसका आंसर क्या आता है, ठीक है, तो हम सीधे बता देते हैं चार ऑप्शन देख के कि इसका आइगन वैल्यू ये आएगी और इसका आइगन वेक्टर ये आएगा, ठीक है, और जनरली ऐसे फ्री के मार्क्स होते हैं जिसमें हमारा टाइम तो बचता ही है, नंबर भी आपके 101% सिक्योरिटी होती है कि आपने गेन कर ली, ओके, तो अब हम सॉल्यूशन पार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है, इसको हमने कर लिया, ओके, देखो बच्चों जैसे सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है 1 दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो हम इसमें शुरू में पुट करके देखेंगे तो इसलिए भी एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पॉइंट ऑफ व्यू टू फाइंड रिजोल्वमेंट कर्नल बाय पॉलीनोमियल मेथड, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं रब, ओके, अब देखो बच्चों सेकेंड को हम कैसे सोल्व करते हैं, और इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज बहुत होता है, तो सबसे पहले हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करनी होती है इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, तो इसमें हमें दिया हुआ है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ए वन एक्स इंटू, हमारे पास क्या होता था सेकंड केस में के ऑफ एक्स एक्साई इज इक्वल टू ए नोड एक्स माइनस ए वन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्साई, अगर मैं दोनों को
कंपेयर करूं तो कंपेयर करने से जो ए नोड एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और जो ए वन एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो यहाँ से हम क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर दी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा क्या है 1 है, इंटू ए नोड एक्स 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या है ए वन एक्स क्या है माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इसको हम क्या ले सकते हैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और इसको मैं डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 या फिर d माइनस 1 का होल स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ओके विद ऑक्सिलरी कंडीशन, ठीक है ऑक्सिलरी कंडीशन क्या है हमारे पास y ऑफ xi इज इक्वल टू 0 एंड y डैश xi इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास d माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहां से d की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो यहां से सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा y x सॉल्यूशन आएगा c1 प्लस c2x इंटू e रेस टू पावर लैम्डा इंटू x और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू x तो हमारे पास क्या आ जाएगी e रेस टू पावर, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, अब हम क्या करते हैं अब हम इसका अब इस पर कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या दी हुई है हमें y ऑफ xi इज इक्वल टू 0 ये दी हुई है, तो यहाँ पे हम करते हैं तो y ऑफ xi करेंगे तो y ऑफ xi की वैल्यू आएगी हमारे पास c1 प्लस c2 इंटू xi इंटू e रेस टू पावर xi इज इक्वल टू 0। अब ये तो फैक्टर 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा c1 प्लस c2 xi इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन मत मानो, ठीक है ये हम जस्ट देख रहे हैं कि ऐसे करते हैं। सेकेंड हमें दी है y डैश xi इज इक्वल टू 1, तो y डैश x यहाँ से क्या आएगा y डैश x निकालूंगा मैं, तो ये आएगा हमारे पास c1 प्लस c2x एज इट इज e रेज टू पावर x का इंटीग्रेस डेरिवेटिव e रेज टू पावर x। अब e रेज टू पावर x एज इट इज इसका करेंगे तो c2, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं तो y डैश xi क्या होगा c1 प्लस c2 इंटू xi इंटू e रेज टू पावर xi प्लस e रेज टू पावर xi इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये हमारे पास फैक्टर क्या है 0 है, तो ये सारा क्या हो गया 0, तो 0 प्लस e रेज टू पावर xi c2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से जो c2 की वैल्यू आई है वो आई है e रेज टू पावर माइनस xi और यहाँ से c1 प्लस c2 इंटू xi इज इक्वल टू 0, तो c1 की वैल्यू आ गई माइनस xi इंटू c2 की वैल्यू क्या है e रेज टू पावर माइनस xi। c1 और c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो आया y ऑफ x इज इक्वल टू c1, c1 कितना है माइनस xi इंटू e रेज टू पावर माइनस xi प्लस x इंटू c2 की वैल्यू क्या है c2 की वैल्यू है e रेज टू पावर माइनस xi, ओके और इंटू e रेज टू पावर xi, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो यह जाएगा माइनस xi e रेज टू पावर x माइनस xi प्लस x इंटू e रेज टू पावर x माइनस xi, ठीक है। और यहाँ से अगर ये फैक्टर कॉमन भी आ रहा है तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस xi इंटू e रेज टू पावर x माइनस xi, दिस इज द वैल्यू ऑफ yx, ठीक है। देन रिजोल्वेंट कर्नल r ऑफ x कोमा xi कोमा 1, बिकॉज लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है, वो होगा हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्या है 1 और हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ओके। अब ये देखो बच्चों वो फैक्टर सोल्व करना है हमें, तो ये दिया हुआ है तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2 इंटू वाई डैश माइनस वाई, ठीक है ओके तो इसको इस तरफ लेके जाऊंगा पूरे फैक्टर में तो इसकी वैल्यू होगा हमारे पास 2 इंटू वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। वाई की वैल्यू आ चुकी, वाई डैश की वैल्यू क्या है वाई डैश की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो वाई डैश की वैल्यू, तो हमारे पास जो आर ऑफ एक्स एक्साई की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। तो वो आएगा हमारे पास 2 इंटू वाई डैश फाइंड आउट करना है, तो वाई डैश ये रहा हमारे पास वाई डैश एक्स, ठीक है। तो c1 c2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी पुट कर रखी है, तो जस्ट हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, ओके 2 इंटू वाई डैश, वाई डैश ये रहा हमारे पास, ये फैक्टर तो 0 हो चुका था बिकॉज ये फैक्टर 0 है, ठीक है। c1 प्लस c2 इंटू एक्स, ये फैक्टर 0 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर एक्स, e रेज टू पावर एक्स इंटू c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास e रेज टू पावर माइनस xi माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है माइनस 2 प्लस वाई, तो माइनस वाई ये रहा एक्स माइनस एक्साई
इंटू ई रेस टू पावर एक्स माइनस एक्स आई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा टू इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स आई हो जाएगा, ये भी माइनस एक्स आई, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा टू माइनस एक्स प्लस एक्स आई इंटू ई रेस टू पावर एक्स माइनस एक्स आई। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजोल्वेंट कर्नल आर ऑफ एक्स कोमा एक्स आई वन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रिजोल्वेंट कर्नल कॉरस्पॉन्डिंग टू द दिस के एक्स एक्स आई, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं आज, ठीक है, कि अगर पॉलीनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम रिजोल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, बेसिकली हमने दो क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आगे भी जितने क्वेश्चन हैं सारे ऐसे ही होंगे, वो सब आप खुद करो, आपकी प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ओके, तो आज की असाइनमेंट मैं आपको देता हूं कि आपको कौन कौन से रिजोल्वमेंट कर्नल सोल्व करने हैं, अगर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स आई अगर पॉलीनोमियल की फॉर्म में दे रखे हो तो। ओके, तो उसके लिए मैं कुछ असाइनमेंट देता हूं, आप नोट करो उनको, ठीक है। तो वो देखो क्या है, ओके, मैं कुछ असाइनमेंट देता हूं। देखो बच्चों, ये आपके लिए कुछ असाइनमेंट है, आपको इनको फाइंड आउट द रिजोल्वमेंट फॉर द फॉलोइंग कर्नल एंड गिवन वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ये आपको वैल्यू दी हुई है पैरामीटर की, फोर क्वेश्चन आपके, और मैंने इनके आंसर भी साथ में लिखे हैं ताकि आपको क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए कि इनके आंसर क्या आएंगे, ठीक है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि कौन कौन से डिस्कस, थोड़ी सी इंट दे देता हूँ सारे क्वेश्चन की, ये है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो के ऑफ एक्स एक्साई है, इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्साई से, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये किससे सोल्व होगा, केस नंबर सेकंड से, केस सेकंड से सोल्व होगा। और इसको है ये एज इट इज लिखेंगे, इसमें जो ए नोड एक्स है उसकी वैल्यू है माइनस टू, और जो ए वन एक्स है उसकी वैल्यू है 3, और केस सेकंड से ही ये सोल्व होगा। ये हमारे पास है ए नोड एक्स है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 5, और जो ए वन एक्स है उसकी वैल्यू है 6, ठीक है, और जो केस सेकंड से होगा सोल्व। थर्ड हमारे पास ए नोड एक्स है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 3, और जो ए वन एक्स है उसकी वैल्यू है 6, और जो ए टू एक्स है उसकी वैल्यू है -4, और ये जो डिस्कस है ये हमारे पास सोल्व होगा केस नंबर 3 से, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब हमारे लेक्चर पहले ही हो चुके हैं, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी सोल्व कर रखी है, और अभी भी जो आज हमने सोल्व किए है, बेसिकली जो हमारा जो मेन काम था वो मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन ही सोल्व किया है हमने, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारे पास क्या है, रिजोल्वमेंट कर्नल आया है। ओके, तो ये आपके लिए क्या है, हमारे पास तुम्हारे पास असाइनमेंट, ठीक है। ये आपको सोल्व करनी है, ठीक है। तो दिस इज योर असाइनमेंट प्रॉब्लम, मैंने आंसर भी साथ में दे दिए हैं कि आपको वेरीफाई हो जाए कि आपका आपने ठीक निकाला है नहीं निकाला है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, आप यहाँ पे एक और लेके चलो, ठीक है, उसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन लेके चलो, के ऑफ एक्स एक्साई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्साई, ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपको सोल्व करना हो जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आपको क्या निकालना है, रिजोल्वमेंट करना है। इसमें ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें एक्स और एक्साई है, वे दोनों मल्टीप्लाई में है, पॉलीनोमियल तो है भी ये, ठीक है, पॉलीनोमियल तो है, इसकी डिग्री 1, 1। ओके, तो इसको भी आपको सोल्व करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ भी निकालते हो आप, एक आधा क्वेश्चन और भी बना सकते हो, लाइक एक्स स्क्वायर इंटू एक्साई स्क्वायर, या फिर एक्स इंटू एक्साई का आप क्या ले सकते हो, सिंपल होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको साथ में लेके चलने हैं, यानी कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, 6, ठीक है। तो सबका क्या निकालना है आपको, रिजोल्वमेंट कर्नल। दो लेक्चर हमने लास्ट में डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट है उसमें इंट्रोडक्शन किया था, हमने इंट्रोडक्शन करके जो सिंपल बेसिक्स रिजोल्वमेंट कर्नल है वो निकालने थे। सेकंड जो ये लेक्चर है इसमें हमने अगर कर्नल पॉलीनोमियल की फॉर्म में है तो उसका हमने कैसे रिजोल्वमेंट कर्नल निकालना है वो सीखा है। ओके, तो दोनों लेक्चर से हमें रिजोल्वमेंट कर्नल आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के रिजोल्वमेंट मेथड से, ठीक है। हमें रिजोल्वमेंट कर्नल भी निकालना साथ में होगा। तो अब मैं पहले ही बता दूं, वो जो इक्वेशन होगी उनमें हम बेसिकली जो दो लेक्चर्स में जो मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम दी है एज वेल एज वो क्वेश्चन जो मैंने सोल्व किए हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग ही रिजोल्वमेंट कर्नल हमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में गिवन होंगे, और वो हमें इक्वेशन क्या करनी है, सोल्व करनी है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल में है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए रिजोल्वमेंट कर्नल वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, रिजोल्वमेंट कर्नल।
और बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि रिजोल्वेंट कर्नल सिर्फ सॉल्यूशन के लिए हम फाइंड आउट करें. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ द फॉलोइंग के एक्स एक्स वाई, ठीक है, ऐसे भी आता है. और ऐसे भी आता है कि फाइंड द सॉल्यूशन. तो अगर हमें ऐसा कर्नल दिया हो, मान लो आपको अभी मैंने करवाया है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये था एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रिजोल्वमेंट कर्नल निकाला, तो बेसिकली आपको ये याद हो जाता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजोल्वमेंट कर्नल क्या आया था, और उससे आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. तो इस तरह भी ये बेनिफिशियल है आपके लिए. ओके, तो ऐसे हम क्या करते हैं, रिजोल्वमेंट कर्नल निकालते हैं, और रिजोल्वमेंट कर्नल से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कैसे सोल्व होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रिजोल्वमेंट कर्नल में, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई करेक्शन हो, कोई सजेशन हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए. ओके, तो इसी तरह हम सीरीज़ में चलते रहेंगे लेक्चर में. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए. इज दैट क्लियर? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्रिपरेशन अपनी करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.